for the latest international success of his last creative film, that is Rashtraputra, that got screened over there in the Cannes International Film Festival. And today in this auspicious event, we will showcase a small glimpse of that first mainstream film in Sanskrit, Aham Brahmasmi. And I will not take more time of you people. So I will hand over all of the event, Mr. Basudev Purohit. He will moderate the entire event, Hindi and Sanskrit both. Thank you so much and have a good day. Yato ananta shakteh anantascha jivaha, yato nirgunada prameya gunaste, yato bhati sarvam त्रिधा भेद भिन्नम सदा तम गणेशम नमामो भजामः सदा तम गणेशम नमामो भजामः। मन्यः प्रथमम् एव समादिष्टः यदद्य त्रिवेणी संगमः कार्यः मया यतो हि आंग्लभाषायां तया प्रतिपादितं हिन्द्यां संस्कृते च मया प्रतिपादनीयं यतो हि त्रिवेणी संगमः भारतेस्मिन् सुप्रसिद्धः एव अन्यत्र कुत्रापि न। तथा विदोयं प्रसंगः यत् महद् आनन्दस्य विषयः। सर्वप्रथमं तु सत्यं कथयामि, मञ्चस्थान् सर्वान् नमस्करोमि। महद् आनन्दस्य दिवसः संस्कृतं तदपि चलचित्रे एतदाश्चर्यं संस्कृतं श्रुतमस्ति वयं ब्रूमः न तथा आश्चर्यं किन्तु तदपि चलचित्रे ओ चलचित्रं तत्रापि तस्यापि चलचित्रस्य नाम यदि वयं चिन्तयामः तदा अस्मान् सर्वान् मोदं प्रयच्छति अस्मभ्यं प्रयच्छति वा यतो हि अहं ब्रह्मास्मि। श्रुतमस्ति परंपरया अधीतमस्ति किंतु अहम ब्रह्मास्मि इति यत् प्रतिपादनम् तत् प्रतिपादनम् चलचित्र माध्यमेन इति महदाश्चर्यम् एकम्। द्वितीयम् तदपि चलचित्रम् तदपि आजादः सर्वतंत्र स्वतंत्रः स्वयं आजादः भवितुम् अर्हति अन्यथा आजादः आजादः भवितुम् नार्हति। एतादृशम् सत्यं कथयामि एषः सुभग संगमः संस्कृतस्य चलचित्रं विश्वस्मिन् एतत् चलचित्रं प्रथमम् इति मन्ये तथा तु पूर्वं शंकराचार्य इति आसीत् किन्तु तदपि तत्र वाणी ध्वनिः तथा विधः न। अतः महदानन्दस्य विषयः यत् अहं ब्रह्मास्मि इति संस्कृतं संस्कृत चलचित्रं तस्यापि चलचित्रस्य लेखकः निर्माता अभिनेता त्रिवेणी संगमः अत्रापि। अतः महदानन्दस्य दिवसः तस्य चलचित्रस्य अहं ब्रह्मास्मि इति चलचित्रस्य ट्रेलर ट्रेलर संस्कृत शब्दः नास्ति खलु किन्तु अनुयानम् इति वक्तुं ब्रह्मः गुरुवः अत्र सन्मुखे एव सन्ति अनुयानम् इति किञ्चित् वक्तुं शक्नुमः। तादृशं यद् अनुमानं तादृशं यद् ट्रेलर तस्य दर्शनं तत्रापि वयं परमानन्देन समायातः यतोहि संस्कृतकार्यमिदम्। अतः अस्य कार्यस्य अस्य कार्यक्रमस्य प्रारम्भे मञ्चस्थान् सर्वान् सप्रणिपातं निवेदयामि यत् दीपप्रज्वलनं भवेत्। दीपप्रज्वलनानन्तरमेव कार्यस्य प्रारम्भः भवेत्। अहं प्रार्थयामि मञ्चस्थान् महानुभावान् दीपप्रज्वलनं कुर्युः इति। ते दीपप्रज्वलनं करिष्यन्ति तावत् मन्त्रगानं प्रार्थयामि। यथार्थ ज्ञानं तस्य यथार्थस्य ज्ञानस्य प्रज्वलनम् अर्थात् तद् मूलतः यद् ज्ञानं तद् ज्ञानं भवेत् इति वयं प्रार्थयामः। अस्तु धन्यवादाः पुनः प्रार्थयामि।
यत् जैतलपुर श्री स्वामीनारायण संस्कृत महाविद्यालयस्य ये ऋषिकुमाराः सन्ति ते ऋषिकुमाराः अत्र समागत्य मंगलाचरणं करिष्यन्ति यतो हि मंगलादिनि मंगलमध्याह्नि मंगलान्तानि च इति कथं वयं विस्मर्तुं शक्नुमः। वयं तु अद्य आजाद महोदयं प्रार्थयामः इदं मंगलाचरणं सदा सर्वदा अहं ब्रह्मास्मि चलचित्रे अधिकाधिक जनाः पश्येयुः अधिकाधिकं श्रेयः प्रयच्छेयुः तथाविधं तद्भवतु। तदर्थं जैतलपुर श्री स्वामीनारायण संस्कृत महाविद्यालयस्य ये छात्राः सन्ति ते छात्राः अत्र समागत्य स्वीयं यद् अत्र मंगलाचरणप्रदानं अर्थात् मंगलं यद् आचरणं ते करिष्यन्ति तान् अहं प्रार्थयामि आगच्छन्तु। सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो ब्रह्मत्वर्जमा सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः नमः ब्रह्मणे नमः ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तत् माम् अवतु तत् वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। मंगलाचरणे एव मंगलं भवति तद् मंगलाचरणमपि कस्य भवति चेत् यस्य मंगलम् आचरणम्। धन्यवादः। साम्प्रतं शाब्दिकपरिचयः स्वागतविधिश्च। एकं वचनमस्ति आचरणेन एव चरणपूजा भवति। यदि आचरणमेव तथा तदा चरणपूजायाः आवश्यकता न भवति। एते प्रथितयशाः तथापि अस्माकं यथा कार्यक्रमः तदनुरूपं शाब्दिकपरिचयः अस्माभिः प्रदेयः खलु। शाब्दिकपरिचये सर्वप्रथमम् अस्य सम्पूर्णस्य अहं ब्रह्मास्मि कार्यक्रमस्य अध्यक्षत्वेन समुपस्थिताः किरीटभाई सोलंकी महोदयाः। ते वयं सर्वेपि जानीमः सांसदाः सन्ति संसदि सदस्याः सन्ति इति तु जानीमः किन्तु परमात्मना नाम अपि तथा स्थापितं किरीटरूपाः। ते मूर्धन्यभूताः भवेयुः तथाविधं तेषाम् उदात्तचरितं संस्कृतं प्रति तथाविधं तेषां योगदानं भवेत् तान् अहं सम्पूर्णतया भूरिभूरि अहं सम्पूर्णतया उपकृतोऽस्मि। यतोहि भवन्तः कार्यक्रमम् अलङ्कुर्वन्तः सन्ति खलु। अहं मौसमी भगिनीं प्रार्थयामि चटर्जी मौसमी चटर्जी भगिनी सा अत्र आगत्य तस्य तेषां च स्वागतं करिष्यति इति मौसमी भगिनी यत्र वर्तते किरीट भाई जी महोदयानाम् अत्र अग्रे आगत्य जयशंकर जी अस्य च कार्यक्रमस्य विशिष्टातिथयः जयशंकर भाई रावल महोदयः। ते पूर्वतः पूर्वं गुजरात संस्कृत भारती प्रांतमंत्रिणः साम्प्रतं च सौराष्ट्रप्रदेशः तस्य सौराष्ट्रप्रदेशस्य च अधुना ते अध्यक्षाः सन्ति। अहं तान् नमामि तेषां च स्वागतं राजेन्द्रभाई मेहता महोदयाः अत्र आगत्य तेषां स्वागतं करिष्यन्ति प्रार्थयामि खलु। नमो नमः। अत्र च समुपस्थिताः तदनु अत्र हरेराम मिश्र महोदयः तथा तु नामोच्चारणेन कदाचित् दोषः एव अहं लघुः हरिराम मिश्र महोदयः प्रणमामि। तैः अष्टसुवर्णपदकानि प्राप्तानि विविधेषु विषयेषु अष्टादशपुस्तकानां ग्रन्थानां च प्रायः लेखनं विधत्तं नैकविधाः विविधेषु विषयेषु छात्राः व्युत्पन्नाः
तत्र च विद्याध्ययनं तपः इति माध्यमेन पाठिताः तेषां च अत्र स्वागतं करिष्यति निकुञ्जभाई पटेल महोदयः तान् अहं प्रार्थयामि ते अत्र निकुञ्जभाई आगच्छन्तु तेषां च स्वागतं कुर्वन्तु नमो नमः ततो येषां माध्यमेन वयम् अत्र समुपस्थिताः सम्मिलिताः अस्माकं मनसि एका जिज्ञासा वर्तते सा जिज्ञासा ओ सर्वप्रथमं तु जिज्ञासा वर्तते अहं ब्रह्मा अस्मि इति चलचित्रे प्रतिपाद्यं विषयं किं भवेत् कः विषयः वा तदनु अपरञ्च यदि विचार्यते चेत् कः लेखकः आजादः कः नेता आजादः कः सम्पादकः आजादः कः निर्माता आजादः 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 भवति न वा एतद् आश्चर्यं भवति अहं तु सत्यं कथयामि आजाद आजाद है आजाद के लिए वंदन और चंदन दोनों समर्पित है यतोहि भारतीय संस्कृति जो भारतीय संस्कृति है उस संस्कृति की जो रक्षा है ऐसे हम चलचित्रों को नहीं बनाएंगे ऐसे चलचित्र यदि हमारे पास नहीं है तो हमें कभी भी हमारी जो विरासत है उस विरासत का पता भी नहीं चलेगा हमारे पास क्या है क्या था और हम क्या हो रहे हैं एतस्य यदि अस्माभिः ज्ञानं करणीयमस्ति चेत् तदा अस्माभिः एतादृशानां महोदयानां महापुरुषाणां माध्यमेन संस्कृते किं नास्ति वयं सर्वे जानीमः वयं कृतभूरिपरिश्रमः विद्वांसः संस्कृतम् अस्माभिः पठनीयं संस्कृतं पाठनीयं संस्कृतेन सर्वो व्यवहारः कर्तव्यः संस्कृतम् अस्ति चेत् सर्वमस्ति इति वयं ब्रूमः किन्तु ये बालाः सन्ति एषः कालः एकविंशति सदि अत्र अस्माकं यद् प्राक्तनीयानां जीवनं वीराणां जीवनं कीदृशमासीत् एतत् सर्वं यदि चलचित्रमाध्यमेन दृश्यमाध्यमेन यतोहि दृश्यं तु सरलं भवति नाट्यं तु पञ्चमो वेदः तदर्थमेव कथितं न वा नाट्यं तु पञ्चमो वेदः तदर्थमेव कथितम् अतः आजाद महोदयाः अहं तु सत्यं कथयामि लेखनेऽपि आजादाः निर्माणकार्येऽपि आजादाः तेषां रचनायाम् अभिनयेऽपि आचार्याः त्यागी कृती कुलिनः सुश्रीको रूपयौवनोत्साही सा नेता भवति न वा एतादृशाः आजाद महोदयाः एतादृशानाम् आजाद महोदयानां मन्मनसि तु सत्यं कथयामि आजाद महोदयाः प्रार्थयामि विचारयामि यद् एषः विचारः एव महद्विचारः संस्कृतेन अहं चलचित्रं रचयामि नाटकानि बाल्यकाले गुरुभिः बहूनि कृतानि कारितानि जानामि पश्यामि स्मरामि किन्तु चलचित्रम् इति सविशेषं कौतुकं चलचित्रमिति सविशेषं कौतुकं किन्तु अद्य एतत् स्वप्नम् आजादेन अस्माकं सर्वेषां कृते एतत् दर्शितं प्रदर्शितं साकारीभूतम् अतः आजाद महोदयानां स्वागतं निलेशभाई धनानी ते अत्र आगमिष्यन्ति तेषां च स्वागतं करिष्यन्ति तान् अहं अत्र समागच्छन्तु स्वागतं च कुर्वन्तु वयं कर्तव्यं नाटकेन एकवारं अधिकाधिकं कर्तव्यं नाटकेन एकवारं वाह अतिसुन्दरं सञ्जातं धन्यवादाः सत्यं कथयामि मन्मनसि एषः विचारः पूर्वमेव समायातः यद् अहं ब्रह्मास्मि इति चलचित्रं सर्वप्रथमं तु चलचित्रम् इति आश्चर्यं द्वितीयं तदपि अहं ब्रह्मास्मि तत्रापि लेखकः एकः एव निर्माता एकः एव तत्र सर्वमपि तैः विधत्तम् इति महान् प्रयत्नः किन्तु तेषां सह निर्देशकमहोदयाः ते अभिजितमहोदयाः वर्तन्ते घटवारीमहोदयाः अहम् अभिजित् घटवारीमहोदयं प्रार्थयामि यद् अस्य सम्पूर्णस्य चलचित्रस्य निर्माणे यतोहि ते लेखकप्रधानाः
लेखक प्रधान द्वितीय तेषाञ्च तत्र संपूर्णः यः अनुभवः अस्य अहं ब्रह्मास्मि इति लेखने अहं ब्रह्मास्मि इति हृद्गताः ये भावः हृद्गताः ये अन्तःकरणस्थाः ये च विचाराः ते कथं चरितार्थतान्वितः इति तेषां मनसि यो भावः अथवा कदाचित् मन्ये तावत् अस्मिन् कर्मणि विघ्नान्यपि आगतानि स्युः यतो हि श्रेयांसि बहु विघ्नानि सन्ति भव इति कृत्वा वयं चिन्तयामः यत् तेषां मुखादेव अस्मिन् कर्मणि ते घटवारिमहोदयाः अभिजितमहोदयाः स्वकीयम् अस्मिन् कर्मणि अनुभवम् एषा कथं प्रेरणा प्राप्ता कैसे तो हमने ये प्रेरणा प्राप्त की है कैसे तो उन्होंने ये सोचा है और कैसे ये लेखन कार्यों में ये दत्तचित्त बने हैं और कैसे कैसी कैसी मुसीबत कठिनाइयाँ आई है वैसे नगणयति दुःखम न च सुखम यह मनस्वी कार्यार्थी नगणयति दुःखम न च सुखम अतः मित्राणि तेषां संपूर्णम इदं चलचित्रम तत् अस्माभिः विलोकितं भविष्यति किंतु तावत् पूर्वं तेषां मनसि ये भावाः ते भावाः वयं शृणुमः शृणुमः वा मंच पर आसीन गणमान्य अतिथिवृंद और आज सभागार में उपस्थित देवियों और सज्जनों बहनों और भाइयों आप सबको मैं अभिजीत गढ़वारी स्वागत करता हूं। आज राष्ट्रवाद के इस महासम्मेलन में सनातनता राष्ट्रवाद के इस महायज्ञ में आप सभी उपस्थित देवियों सज्जनों को राष्ट्रवादी सनातनियों को मैं अभिजीत घटवारी बॉम्बे टॉकीज वीर रस के नायक आजाद और टीम आजाद की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं अभिवादन करता हूं अभिनंदन करता हूं। इससे पहले कि आगे बढ़ें हम अपने परिवार बॉम्बे टॉकीज के महनीय पूर्वज पूर्वजों की त्रिवेणी राज नारायण दुबे हिमांशु राय और देविका रानी की विराट अदेही स्मृति को अदेही उपस्थिति को नमन करते हैं। आज जब इस महासम्मेलन में उपस्थित हुए हैं तो मेरा दायित्व बनता है कि मैं बॉम्बे टॉकीज राष्ट्रपुत्र और अहम ब्रह्मास्मि इसके पहले का पूरा इतिहास आपको बताऊं और इस अहम ब्रह्मास्मि की सृजन की पूरी प्रक्रिया आज़ाद के सृजन के क्रमबद्ध तरीके से जो उनका सृजन कर्म चला है उसके विषय में आपको मैं परिचित कराना चाहता हूँ। हमारी कथा व्यथा शुरू होती है 1930 के आसपास। असहयोग आंदोलन विफल हो चुका था, राष्ट्रवादियों का पराभव चल रहा था, शांतिवादियों का एक अलग दौर था, राष्ट्रवादियों को कदम कदम पर प्रताड़ित करने का दुष्चक्र चल रहा था, देश का मनोबल टूट चुका था। उस समय फिल्म और सिनेमा बहुत ही शैशव अवस्था में था, बाल्यावस्था में था, तो ये भारत की मानस को कौन समझ रहा था, किस तरह से कौन प्रक्षेपित कर रहा था, कौन उसको आगे बढ़ा रहा था। तो हमारे देश के साहित्यकार उस समय थे जो भारत की मर्म को समझ रहे थे और इसको व्यक्त कर रहे थे। काशी में हमारे कलम के सिपाही मुंशी प्रेमचंद आदर्शवाद का मोह त्याग कर यथार्थवाद की जमीन पर गोदान जैसी कृति रच रहे थे। उसी काशी में चंद्रगुप्त नाटक में महाकवि जयशंकर प्रसाद उद्घोष कर रहे थे कि हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। असंख्य कीर्ति रश्मिया प्रकीर्ण दिव्य दाहसी सपूत मातृभूमि के रुको न सुर साहसी अराती सैन्य सिंधु में स्वर वाग्नि से जलो प्रवीर हो जय बनो बढ़े चलो बढ़े चलो। उधर प्रयागराज में
एक विराग विजड़ित समाज के अंदर हरिवंश राय बच्चन विद्रोह की ज्वाला जगा रहे थे। धीर सुतों के हृदय रक्त की आज बनी रक्तिम हाला, धीर सुतों के हृदय रक्त की आज बनी रक्तिम हाला, वीर सुतों के वर्षीशों का हाथों में लेकर प्याला, अति उदार दानी साकी है आज बनी भारत माता, स्वतंत्रता है त्रिषित काली का बलि वेदी है मधुशाला। उधर बिहार में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर हुंकार भर रहे थे, हिमालय को निर्देश दे रहे थे, रे रोक ना युधिष्ठिर को यहां, जाने दे उनको स्वर्ग धीर, लौटा दे हमें गांडीव गदा, लौटा दे अर्जुन भीम वीर। उधर माखनलाल चतुर्वेदी मध्य प्रदेश में हुंकार भर रहे थे, दहाड़ रहे थे, मुझे तोड़ लेना वनमाली, देना तो उस पथ में फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। तो ये माहौल था देशभक्ति का, ये माहौल था जो जज्बा असहयोग आंदोलन के बाद जो पूरे उफान पर था अचानक बिखर गया। अब एक दूसरा दौर चल रहा था 1930 के आसपास फिल्म कला का, शैशव काल था। हिमांशु रॉय यूरोप से फिल्म कला की, फिल्म टेक्निक की, फिल्म विधा की, फिल्म निर्माण की शिक्षा लेकर आए, दीक्षा लेकर आए, लेकिन यहां मंच की तलाश करने लगे। मंच उन्हें मिलने से रहा, अब मंच उन्हें नहीं मिला, और मंच नहीं मिला तो हताशा निराशा की घड़ी सामने आ गई। कलाकार को जब प्रतिभा, कलाकार के अंदर जब प्रतिभा होती है और प्रतिभा को प्रोजेक्ट करने के उसके पास मंच नहीं होता है, सुविधाएं नहीं होती, तो निराश हो जाता, टूट जाता। तो ऐसे क्रम में आविर्भाव हुआ एक महामानव का, जिनका, जिनके पूर्वजों का नाता काशी नगरी से था, जिनके पूर्वजों का नाता चाफेकर बंधुओं से था, मां काली के अनन्य भक्त, उच्च कोटि के सनातनी ब्राह्मण, जिन्हें इतिहास राज नारायण दुबे के नाम से जानता है। तो राज नारायण दुबे ने ऐसी अद्भुत प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए, उनको मंच प्रदान करने के लिए बॉम्बे टॉकीज की स्थापना की 1934 में। और अनगिनत कलाकार दिए, अनगिनत फिल्में दी, उन्नति के शिखर पर चढ़ते गए, लेकिन जैसा कि होता है मानव के सुख में दुख ऐसे चुपचाप आ जाता है ओस ढुलक पड़ती जैसे मकरंद मई पखुड़ियों में। और बॉम्बे टॉकीज के कपाट अपने ही लोगों के छल छद्म के कारण 1954 में बॉम्बे टॉकीज के कपाट बंद हो गए। राज नारायण दुबे ने, जिन्हें अपने तप से सींचा था, अपने प्राणों से सहेजा था, उस बॉम्बे टॉकीज का बंद हो जाना उनके जीवन में सबसे बड़ा दुख का कारण था। लेकिन नियति है, दो दौर ना चल पाए थे इस तृष्णा के आंगन में, गूंजा मदिरालय सारा मत वालों के क्रंदन में, यमदूत द्वार पर आया ले चलने का परवाना, गिर गिर टूटे घट प्याले, बुझ दीप गए सब क्षणों में, सब चले किए सिर नीचे, ले अरमानों की झोली, गूंजी मदिरालय भर में, लो चलो चलो की बोली। 1954 में बॉम्बे टॉकीज बंद हो गया, और उसके 63 इयर्स के बाद समय ने, प्रकृति ने, नियति ने एक ऐसे कलाकार को सामने लाया बॉम्बे टॉकीज के उद्धार के निमित्त, उस उज्जवल परंपरा को आगे बढ़ाने के निमित्त, सैन्य विद्यालय के छात्र, संवेदनशील कलाकार जिन्हें हम आजाद के नाम से जानते हैं। अब बॉम्बे टॉकीज के उद्धार का दायित्व उनके कंधे पर था। अब बॉम्बे टॉकीज की जब फिर से शुरुआत हुई, पुनरागमन हुआ, और तब सोचने की बात थी कि अब हम करें क्या, किस तरह की फिल्म बनाएं, समय बदल चुका है, लोग बदल चुके हैं, कई कई पीढ़ियां बदल चुकी हैं, अब नए सिरे से हम करेंगे तो करेंगे क्या। एक तो पहले है कि बॉम्बे टॉकीज का उद्धार कैसे हो, फिल्में बनाना, फिल्में बनाए तो कौन सी फिल्म बनाए, विषय का चुनाव, विषय के चुनाव में हम जब स्टडी कर रहे थे, विचार विमर्श कर रहे थे, तब हमें यह अनुभव हुआ कि इतिहास ने महानायकों के साथ न्याय नहीं किया, जो बौने थे उन्हें महान बना दिया गया, और जो महान थे उन्हें बौना बनाकर इतिहास के कारागार में डाल दिया गया। अपने न्यस्त स्वार्थ के लिए, सत्ता लिप्सा के लिए
जिन लोगों को, जिन महान विभूतियों को, जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, वो हमारे जीवन के केंद्र में नहीं बन सके, और जिन लोगों ने नाखून कटवाकर शहादत का मुहावरा वसूल लिया, उन लोगों को हमने भाग्य विधाता बना लिया। तो हमने सोचा कि इतिहास के अंधेरे कोने में हमारे सबसे बड़े महानायक चंद्रशेखर आजाद को अंधेरे से निकाल कर लाते हैं और सिनेमा के पर्दे पर लाकर पूरे विश्व में, पूरे विश्व दर्शकों के सामने चंद्रशेखर आजाद के जीवन और उनका व्यक्तित्व और उनका कृतित्व को सबके सामने लाने का ये अनुभव प्रयास करना चाहिए। तो आजाद ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया पूरी प्रतिभा से, लगन से, श्रम से, समर्पण से, इसलिए पूरे बॉम्बे टॉकीज की तरफ से हम आजाद का अभिवादन करते हैं। अहम ब्रह्मास्मि के जरिए जो सबसे बड़ी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे जीवन में मृदुल बसंत, अभी ना होगा मेरा अंत, कभी ना होगा मेरा अंत। तो मैं आपसे कह रहा हूं, फिल्म की बात तो हो रही है, फिल्म है, चंद्रशेखर आजाद है, आर्ट है, कला है, प्रतिभा है, समर्पण है, सब कुछ है। अब ये संस्कृत से जुड़ने के चक्कर में जो हमने संस्कृत का सहारा लिया, वो क्यों लिया? क्योंकि संस्कृत के जरिए हम संस्कृति की यात्रा पर निकले। प्रत्येक सनातनी नर, चाहे विश्व के कहीं भी हो, वो पुरुरवा है। प्रत्येक सनातनी नारी ये विश्व में, ब्रह्मांड में कहीं भी हो, वो उर्वशी है। पुरुष के हृदय की अतृप्ति, उसकी अभिप्सा, उसकी प्यास, उसकी चिरंतन साधना, उसकी कला, उसकी प्रतिभा, उसकी कविता, उसका काव्य, उसकी देशना, उसकी जीवेशना, उसकी जिजीविषा, ये उर्वशी है। पुरुर्वा भूमि पुत्र है और स्वर्ग का सुख भोगना चाहता है, देवत्व का अधिकारी होना चाहता है। उर्वशी अप्सरा लोक की कन्या है, वो भूमि का, मर्त्यलोक का सुख भोगना चाहती है। तो मैं जो कहने का मतलब, अभी जो मैं पुरुर्वा और उर्वशी का कुछ संवाद आपको सुनाऊंगा, कुछ संवाद आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, उससे आप हमारे आजाद को भी समझेंगे, आप उसमें अपने आप को भी समझें, आप अपने आप को उर्वशी में भी समझें, और जो सनातन नर नारी का जो संबंध है, जो कलाकार का और कला का, जो कवि का और कविता का, जो जीवन का और आत्मा का, जो देह की और आत्मा की जो संबंध है, इसको आप समझने की कोशिश करें। पहली बार आपको मैं सुना रहा हूं, तो इससे हमारी पूरी मनोवृत्ति आपको समझ में जाएगी, हम क्या चाहते हैं, क्यों फिल्म बनाना चाहते हैं, फिल्म हमने क्यों बनाई, कैसी बनाई और आगे कैसे बनाएंगे। क्या कहूं, क्या बोलूं, भ्रांति यह देह भाव, मैं मनोदेश की वायु, व्यग्र व्याकुल चंचल, अवचेत प्राण की प्रभा, चेतना के जल में मैं रूप रंग रस गंध पूर्ण साकार कमल। मैं नहीं सिंधु की सुता, तलातल अतल वितल पाताल छोड़ नीले समुद्र को फोड़, शुभ्र झलमल फेणांशु में प्रदीप्त, नाचती उर्मियों के सिर पर, मैं नहीं महातल से निकली। मैं नहीं गगन की लता, विधु की तनया चंद्रिका संग, पूर्णिमा सिंधु की परमोज्जलाभा तरंग, मैं नहीं किरण के तारों पर झुलती हुई भू पर उतरी। मैं नाम गोत्र से रहित पुष्प इति वृत्तिहीन सौंदर्य चेतना की तरंग, सुर नर किन्नर गंधर्व नहीं प्रिय, मैं केवल अप्सरा, विश्व नर के अतृप्त इच्छा सागर से समुद्भूत। कामना तरंगों से अधीर हो जब विश्व पुरुष का हृदय सिंधु, आलोड़ित मथित क्षुभित होकर अपनी समस्त बलवाग्नि कंठ में भर मुझे बुलाता है, तब मैं अपूर्व यौवना पुरुष के निभृत प्राण तल से उठकर प्रसरित करती निर्वसन शुभ्र हेमाभ कांति। कल्पना लोक से उतर भूमि पर आती हूँ, विषधर के फण पर अमृत बरती, उद्धत अदम्य बर्बर बल पर रूपांकुश क्षीण मृणाल तार, मेरे सम्मुख नत हो जाते गजराज मत, केसरी शरव शार्दूल भूल निज हिंस भाव, गृहमृग समान निर्विश अहिंस बनकर जीते। मेरे भ्रू स्मृति को देख चकित विस्मित विभोर सुरमा, निमिष खुले अवाक रह जाते, श्लत हो जाता स्वयं एव शिंजनी का कसाव, संस्त्रस्त करों से धनुष बाण गिर जाते हैं। कामना वन्नी की शिखा मुक्तमय, आप्रतिहत में दुर्निवार, मैं सदा घूमती फिरती हूँ पवनांदोलित वारिद तरंग पर समासीन, निहार आभरा में अंबर के आर पार, उड़ते मेघों को दौड़ बाहुओं में भरती, स्वप्नों की प्रतिमाओं का आलिंगन करती। देवालय में देवता नहीं केवल मैं हूँ,
देवालय में देवता नहीं केवल मैं हूं, मेरी प्रतिमा को घेर उठ रही अगर वो गंध, बज रहा अर्चना में मेरी मेरा नूपुर, मैं कला चेतना का मधुमय प्रच्छन्न स्रोत रेखाओं में अंकित करंगों के उभार, मैं ही निविड़ स्तरनता मुष्टि मध्यमा मदिर लोचना काम लुलिता नारी प्रस्ताव व्रण कर भंग तोड़ तम को उन्मत्त भरती। भो नभ का सब संगीत नाद एक मेरे ही निस्सीम प्रणय का है, सारी कविता जयगान एक मेरी त्रैलोक विजय का है, तारों की झिलमिल सभा में फूलों की नाव भाती हूँ, मैं नैश प्रभा सबके भीतर निश की कल्पना जगाती हूँ, देवता कहीं शहीद हैं इस मधुर शांति की छाया में, आरोहण के सोपान लगे हैं त्वचा रुधिर में काया में, वही आरोहण का सोपान हम अपनी कला के माध्यम से हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। आजाद ने संस्कृति के माध्यम से संस्कृति सेवा करने का जो अभूतपूर्व काम किया है, इसके लिए हम आजाद का अभिवादन करते हैं और अब आप लोग स्वयं आजाद को सुनेंगे, आजाद आएंगे, आजाद अपने आग्नेय विचारों से अग्निगर्भा संस्कारों से मां भारती को अर्घदान करेंगे। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, धन्यवाद। ट्रेलर इति अद्य अनुभूतम् एतत्तु अस्माभिः पूर्वमेव अनुभूतम्। यदि ट्रेलर इत्थमस्ति चेत् तर्हि आजादः कथं स्यात् इति एषः चिन्तनीयः विषयः इति मा चिन्तनीयः विषयः इति ट्रेलर ट्रेलर। वयं धन्याः भ्रातः, अनुभवोऽपि कथितः, वृत्तान्तमपि कथितं, यच्च प्रतिपाद्यविषयः सोऽपि कथितः, धन्यवादाः। स्वाभाविकतया मन्त्रिणां कार्यं व्यस्तता, तदर्थमेव तेषां च वयं जानीमः समयस्य पालनं तद् अत्यावश्यकं, तदर्थम् अहं मान्यान् तथा तु क्रमः व्यतिक्रमः भवति खलु, किन्तु अध्यक्षवर्यान् प्रार्थयामि मन्यमान्यान् किरीट सिंहजी सोलङ्कीजी महोदयाः संसद सदस्याः तान् अहं प्रार्थयामि, यतो हि तेषां बहिर्गमनं आवश्यकः एकः कार्यक्रमः वर्तते, तदर्थं ते गन्तुकामः, अतः अस्मान् सर्वान् यथानुकूलं यथा च प्रसङ्गं ते प्रेरणाप्रदं वक्षन्ति प्रेरणां दर्शन्ति इति प्रार्थयामि, नमो नमः। आज इस सभागृह में संस्कृत भारती की ओर से पहला संस्कृत पिक्चर, उसका नाम है अहम ब्रह्मास्मि, के ट्रेलर के रिलीजिंग प्रसंग में यहाँ उपस्थित JNU विश्वविद्यालय के संस्कृत के पंडित प्राध्यापक प्रोफेसर डॉक्टर हरिराम मिश्रा जी, इस पिक्चर के अभिनेता, और न सिर्फ अभिनेता, इस पिक्चर के लेखक भी है, इसके निर्देशक भी है, ऐसे हमारे काशी में उनका जन्म हुआ है और उनका बचपन भी काशी में हुआ है, ऐसे श्री आजाद जी और सभी संस्कृत प्रेमी भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो अहम ब्रह्मास्मि पिक्चर, वो करीबन 1 घंटा और 25 मिनट का पिक्चर है और आज पूरे देश में मुझे इस बात का गौरव है कि इसका ट्रेलर अहमदाबाद में आज रिलीज हो रहा है और अहमदाबाद में, और इसीलिए मुझे इसकी बहुत ज्यादा खुशी होती है, मुझे प्रसन्नता होती है कि मेरे ही क्षेत्र में इस अहम ब्रह्मास्मि पिक्चर का आज उसका लॉन्चिंग होगा और कुछ दिनों के बाद ये पिक्चर रूबरू वो पिक्चर थिएटरों में पड़ेगी। मैं समझता हूँ कि ये संस्कृत का पिक्चर कोई बना है, मेरी जानकारी में नहीं है, और मैंने हमारे आजाद जी से पूछा कि ऐसा कोई पिक्चर पहले बना है, तो उन्होंने एक पिक्चर राष्ट्रपुत्र का एक पिक्चर बना है और एक दूसरा मूवी है जो संस्कृत पर आधारित है। मैं इस क्षेत्र का सांसद होने के नाते आपका, आजाद जी का और आप सभी का मैं स्वागत यहाँ करता हूँ और मैं आपको बधाई भी देता हूँ, क्योंकि ये देश की नहीं, पूरे विश्व की
हजारों सालों से जो सबसे पौराणिक भाषा है वो संस्कृत भाषा है, और बाकी की चाहे इंग्लिश हो या चाहे कोई भी हो, लैटिन हो या कोई भी भाषा हो, संस्कृत में से उसका कहीं ना कहीं जुड़ाव रहा है, संस्कृत में से उनको कहीं ना कहीं पोषण मिला है। ऐसी संस्कृत भाषा को लेकर आज जो फिल्म बना रहे हैं, मैं बहुत बधाई इसलिए देता हूँ कि आजकल कमर्शियल फिल्मों का जमाना है, और लोग जब फिल्म बनाते हैं तो उसमें क्या रिटर्न रहेगा, क्या मुनाफा रहेगा, वो सोचते हैं। मैं आजाद जी और उनकी पूरी टीम को अभिनंदन करता हूँ कि उसकी कोई उन्होंने चिंता नहीं की है, संस्कृत भाषा का प्रचार हो, संस्कृत भाषा का प्रसार हो। और उन्होंने बोला है कि हम बच्चों के लिए भी इस फिल्म को हम दिखाने वाले हैं। मैं आपको हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि आप संस्कृत जैसी भाषा को, और कोई भी शब्द या कोई भी अर्थ का अगर संस्कृत में समाधान नहीं है तो कोई भी भाषा में नहीं है। संस्कृत में सभी बातों का समाधान है, चाहे गुजराती बनी हो, चाहे तेलुगु बनी हो, चाहे मराठी बनी हो, सभी का मूल कहीं ना कहीं संस्कृत से पड़ता है। और ये हमारे लिए आत्मसम्मान की बात है, और ये राष्ट्रभक्ति की बात है, और ये जो हिंदू संस्कृति है, जो हजारों साल पुरानी संस्कृति है, अगर इसकी कोई पहचान है, हमारे वेद है, हमारे पुराण है, अगर पुरानी भाषा में लिखे गए हैं तो वो संस्कृत में लिखे गए थे, और इस भाषा को लेकर आज बन रही है, और फिल्म कुछ दिनों के बाद रिलीज होने वाली है। मैं समझता हूँ कि हम सब के लिए गौरव का विषय है, एक भारतीय और एक हिंदुत्व के विचारधारा से जुड़े हुए व्यक्ति के लिए हमारे लिए एक गौरव का विषय है। और इसीलिए मैं मानता हूँ कि एक एक व्यक्ति इस विचारधारा को लेके, इस संस्कृत भाषा को लेके लोगों तक चले जाएंगे, और इस प्रकार की अगर एक फिल्म बनी है तो आने वाले समय में ऐसी कई फिल्मों की श्रृंखला होगी। और संस्कृत भाषा मैं भी अब बोल नहीं सकता हूँ, मैं पढ़ा हूँ 10वें स्टैंडर्ड में, हमने पढ़ा है, मगर हम ऐसा मानते हैं कि संस्कृत इज वेरी डिफिकल्ट टू लर्न। मगर मुझे आप पंडित जी आप बैठे ऐसे हमारे एक मित्र मिले थे, और उन्होंने मुझे ऐसा बोला था कि ये डिफिकल्ट नहीं है, संस्कृत भाषा आप पढ़ सकते हो, आप बोल भी सकते हो, आप लिख भी सकते हो। उसको मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो शिक्षा है, हमारा जो सब शिक्षा का जिस प्रकार का ढांचा है, मुझे ऐसा लगता है कि संस्कृत को इतना बड़ा कर दिया है, इतना भारी भड़कम कर दिया है कि लोगों में एक ऐसी भावना है, जो मैं मानता हूँ आप में से कई लोग मानते होंगे कि संस्कृत में भाषण करना डिफिकल्ट होता है, मगर मुझे ऐसा बताया गया है कि संस्कृत में भाषण करना जितना हम गुजराती में कर सकते हैं, जितना हम हिंदी में कर सकते हैं, उसी प्रकार से हम संस्कृत में भी बात कर सकते हैं, संस्कृत में भी हम लिख सकते हैं। और इसीलिए इस संस्कृत भाषा को जो जो शिक्षा का हमारा ढांचा रहा था उसमें हमें परिवर्तन करना होगा, और लोगों तक इस भाषा को पहुंचाना होगा, और मुझे पूरा यकीन है कि लोगों तक ये भाषा का प्रसार अवश्य होगा। आज राष्ट्रभावना की बात है, और मुझे निमंत्रित किया इसलिए भी मैं आपका बहुत बहुत हृदय से शुक्रगुजार करता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं। भारत माता की जय। संस्कृतम सुंदरम द्वारम दीपकं चापि संस्कृतम संस्कृते विविधम ज्ञानम संस्कृते किं न सुंदरम सरल सार रूपम प्रतिपादितम एकम द्वितीयम एकम स्वकीयम मतम प्रदाय भारत मातुः मस्तके यः किरीटः तस्य मौलौ किरीटे एकः मणिः तैः संस्थापितः इति धन्यवादार्हः अस्माकं कृतेपि ते पुनः पुनः धन्यवादार्हः तान् अहं प्रार्थयामि यद् भवन्तः संसद सदस्याः संसदि संस्कृतम् एकं सविशेषं संस्कृतभारती पक्षतः अपि संसदि संस्कृतं तत्रापि संसदि संस्कृतं किमर्थं संसद सदस्याः संस्कृत भाषया शपथग्रहणं कुर्वन्ति शपथग्रहणेपि शपथग्रहण यैः कृतं तेषामपि संख्या अधिका सञ्जाता इति बहु आनन्दस्य विषयः सपदि संसदि संस्कृतं शपथग्रहणे महान् आनन्दस्य मोदस्य विषयः अधुना संसद सदस्यान् किरीटभाई महोदयान् प्रार्थयामि यत् आजाद महोदयानां ते सविशेषम्
एकम उत्तरीय वस्त्रेण तत्र प्रतीकचिह्न द्वारा च स्वागतं कुर्वन्तु इति तानहं सविशेषं प्रार्थयामि। वंदे मातरम्। वंदे मातरम्। धन्यवादः भूरिशः। भूरिशः धन्यवादः। यतो हि वंदे मातरम् पदं मया एतदर्थमेव उक्तं यथा अस्माकं व्यवहारः मिलामः तदा नमो नमः जयतु संस्कृतं अथवा जय श्री कृष्णः किन्तु यत्किमपि वयं ब्रूमः किन्तु आजाद महोदयः प्रायः वंदे मातरम् इत्येव वदन्ति अतः तेषां स्वागते वंदे मातरम् यतो हि राष्ट्रभक्ति भरितहृदयाः तेषां स्वागतम् अस्तु नमो नमः। वयं धन्याः। वयं सर्वेपि तेषां यत् कथनं तेन अप्लावितहृदयाः अस्माकमपि एतत् उत्तरदायित्वं राष्ट्रस्य कृते राष्ट्राय स्वाहा यतो हि सर्वं स्वस्मै सर्वं परस्मै एषः भावः बहु उत्तमतया अस्माभिः अपि हृदये धारणीयः। अधुना अतिथिविशेषान् हरिराम मिश्र महोदयान् जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयतः समायाताः सन्ति तानहं प्रार्थयामि यत् तेऽपि प्रासङ्गोचितं स्वीयं यत् उद्बोधनं ते अत्र अस्मान् सर्वान् प्रदाय प्रेरयेयुः इति प्रार्थना नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। अत्र अहं कर्णावत्याम् अहं प्रागपि आगच्छम् किन्तु अद्य महान् उत्सवस्य विषयः महान् प्रमोदस्य अवसरः यदद्य अस्माभिः चलचित्रस्य संस्कृतनिर्मितस्य चलचित्रस्य अद्य प्राग्रूपं यदस्ति पूर्वं ट्रेलर् इति यदुच्यते तस्य अत्र प्रथमतया प्रकाशनं क्रियते। तत्र सांसदाः आसन् किरीटवर्याः आजादवर्याः सन्ति अन्ये च ये संस्कृताधिकारिणः अत्रैव अध्यापकाः सन्ति गुजरात विश्वविद्यालयस्य संस्कृतविभागीयाः अथ च आचार्याः सन्ति एवम् अत्र नागरिकाः ये सन्ति सभ्याः सन्ति छात्राः सन्ति युवानः सन्ति तेषां सर्वेषाम् अभिनन्दनानि स्वागतं च व्याहरामि। हरिराममिश्रोऽहं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालये पाठयामि। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयः विख्यातः विश्वस्मिन् वर्तते किन्तु कानिचित् कारणानि तत्र सन्ति येषां वशात् तत्र किञ्चित् असौविध्यमासीत् इदानीम् अस्माभिः तस्यापि परिष्कारः क्रियते। तत्र संस्कृतं न स्यात् इत्येतदर्थं तैः बहुधा प्रयासः कृतः किन्तु अस्माभिरपि सङ्घतैः सर्वथा प्रयासः कृतः यत् संस्कृतं स्यादेव। इदानीं संस्कृतम् अष्टादशवर्षेभ्यः तत्र प्रचलति देशे विदेशे च तस्य केन्द्रस्य इदानीं ख्यातिरपि वर्तते। कनाडादेशे विश्वसंस्कृतसम्मेलनम् आसीत् तत्र संस्कृतविरुद्धं किञ्चिदाचरितं यतोहि तेषां मनसि कदाचित् भारतं प्रति विरोधस्य भावना जागर्ति तैः कथञ्चित् एवं प्रकल्पः अस्मत् संस्कृत इति नाम्ना किञ्चित् कृतं तस्य प्रत्याख्यानं तेषामेव देशे अस्माभिः सर्वथा कृतम् इत्यपि स्मरणीयं वर्तते। यदा आजादमहोदयेन एतैः मम पार्श्वे प्रस्तावः कृतः यत् एवं संस्कृतमाध्यमेन वयं चलचित्रस्य निर्माणं कुर्मः तदानीं मया एते प्रोत्साहिताः सर्वथा प्रोत्साहिताः अस्मच्छात्राश्च अस्मिन् कर्मणि सम्बद्धाः सन्ति न केवलम् एतावदेव यदा ये एते उक्तवन्तः यत् अस्मिन् कर्मणि सर्वेषां साहाय्यं यतोहि विषयः कः विषयः चन्द्रशेखर आजादः यतोहि चन्द्रशेखर आजादेन देशस्य स्वातन्त्र्यान्दोलने आत्मा समर्पितः देशस्य स्वातन्त्र्यान्दोलने आत्मा समर्पितः एवं भूतस्य
चंद्रशेखर तेन युवसु एवं प्रेरणा जागर्ति एवं प्रेरणा स्यात् यत् अस्माभिः देशस्य रक्षायै देशस्य कृते च आहुतयः अपि दातुं शक्यन्ते यथा अखंड भारतस्य निर्माणे अत्रत्यः एव गांधीनगरतः सांसदः अस्ति गुजरात गुजरात प्रान्ततः अमित भाई इति तेनाप्युक्तं यत् देशस्य अखंडतायै अस्माभिः स्वजीव अपना जीवन भी दे देंगे। अब जब संसद का आप उनका पढ़िए वक्तव्य तो उन्होंने कहा अपना जीवन भी दे देंगे। तो इयं प्रेरणा चंद्रशेखर आजाद माध्यमेन प्रख्यापयन्तः एतेषां वर्धापनानि सन्ति एतेषां स्वागतमस्ति। यदा कदापि एतेषां निवेदनं भवति एतेषां आग्रहः भवति तदा वयं संस्कृतज्ञाः सर्व एव समुपस्थिताः भवामः। किन्तु संस्कृतज्ञेष्वेव इदं चलचित्रं न गच्छेत् अपि तु विश्वस्मिन् गच्छेत् ये संस्कृतं न जा यतोहि इदानीं दुष्प्रचारः क्रियते संस्कृतं तु प्रायशः अद्यत्वे व्यवहारे नास्ति। किन्तु अहं वदामि ये संस्कृतं न जानन्ति तेभ्यः गच्छन्ति। अहं किं वदामि सर्वे जानन्ति यदा कश्चिदपि संस्कृतेन सम्भाषते गुर्जरप्रान्तीयः स्यात् बङ्गलाप्रान्तीयः स्यात् बङ्गालप्रान्तीयः महाराष्ट्रतः स्यात् कस्माच्चिदपि प्रदेशात् स्यात् संस्कृतेन यदि भाष्यते संस्कृतेन कश्चित् व्यवहारं करोति चेत् सर्व एव अवगच्छन्ति। तदेव मत्वा इदं चलचित्रस्य अयं चलचित्रस्य यः उपक्रमः वर्तते चलचित्रस्य यः प्रयासः वर्तते तन्माध्यमेन सामान्येषु जनेषु इयं भावना प्रवर्तेत् यत् संस्कृतमाध्यमेन अद्यापि व्यवहर्तुं शक्यते। संस्कृतभारती इयं इदं कर्म करोति सम्यक् करोति संस्कृतभारत्या ते शिक्षिताः सन्ति संस्कृतमाध्यमेन ते संस्कृतभाषणे समर्थाः कृताः येषां संस्कृतभाषणे गतिरेव नासीत् इदानीम् एवं भूताः यथा वैद्याः सन्ति चिकित्सकाः सन्ति अन्ये च ये कर्मकराः सन्ति टेक्नोलॉजी मध्ये ये सन्ति ते सर्वे इदानीं संस्कृत संभाषणे प्रवृत्ताः सन्ति अथ च सम्यक् वदन्ति। अहं जानामि दिनेश कामत महोदयं सः सम्यक्तया संस्कृतेन वदति सः कदाचिदपि संस्कृतं नाधीतवान् सः अन्येषु क्षेत्रेषु निष्णातः आसीत् किन्तु यदा प्रवृत्तः तदा संस्कृत किमर्थं संस्कृतमित्युक्ते संस्कृते किं नास्ति यद् अद्यापि भारतस्य सौष्ठवाय भारतस्य परमवैभवाय अथ च विश्वस्य परमवैभवाय न केवलं भारतस्य अपि तु विश्वस्य कृते संस्कृते न जाने कियत् ज्ञानं वर्तते। अद्यापि तज्ज्ञानम् आश्रित्य वयम् आत्मानम् उत्कर्षयितुं शक्नुमः। किमस्ति सङ्गच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे सञ्जानाना उपासते एवमेव मित्रस्य अहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्। भगवान् कृष्णः कथयति नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्ते एव च कर्मणि अस्मिन् विश्वस्मिन् किमपि नास्ति यद् यन्मया न प्राप्तं तथापि अहं कर्म करोमि कस्मात् कर्म करोमि येन सर्वे ये मां पश्यन्ति तेऽपि कर्मणि प्रवृत्ताः स्युः। एवं याः भावनाः समाजस्य सङ्घटनस्य भावनाः समाजे सर्वे समानाः इति भावनाः वाचः सर्वेषु तथैव प्रवृत्तिः स्यात् यथा मयि अस्ति यथा अन्यस्मिन् अस्ति इति कल्याणी वाक् सर्वेषां कृते भवेत् इत्यादि न केवलं वेदे कालिदासस्य काव्ये वा स्यात् वाल्मीकिरामायणे वा स्यात् सर्वत्रापि एवं भूतः प्रचारः क्रियते सर्वं भूता एवं भूतः तत्र एवं भूताः सिद्धान्ताः संस्थापिताः येन मानवानां कल्याणं भवेत्। अद्यत्वे किमस्ति अद्यत्वे अस्माकं काचित् व्यग्रतावशात् तत्र व्यग्रता आसीत् तत्र किम् आसीत् यत् संस्कृतस्य ज्ञानं तथा प्रवृत्तं नासीत् तस्मात् काश्चित् विसङ्गतयः सन्ति किन्तु ताः अपि विसङ्गतिः अस्माभिः परिहरणीयाः तेषां परिष्कारः कर्तव्यः। तो एते मान्याः सन्ति अस्माकं मान्याः सन्ति यतोहि संस्कृतस्य उपकारं कुर्वन्ति अस्माभिः न किञ्चित् स्वीक्रियते धनमपि न स्वीक्रियते किञ्चिदपि धनम् अस्माभिः न स्वीक्रियते एते जानन्ति यतोहि धनस्य अर्जनाय एषः प्रयासः नास्ति अत्र धनस्य अवसरः नास्ति किन्तु
एतन्माध्यमेन चलचित्रमाध्यमेन संस्कृतस्य प्रचारः भारतीय संस्कृतेः प्रचारः राष्ट्रवादस्य प्रचारः स्यात् इत्येतदर्थम् अस्माभिः सर्वथा सौविध्यम् उपाद्यते यत्र यत्र एतेषां प्रयासः जागर्ति तत्र तत्र अस्माभिरपि साहाय्यं क्रियते एते धन्यवादाः आत्मनः वित्तस्य योजनां कृत्वा न न धनार्जनाय अपि तु त्यागबुद्ध्यापि यतो हि किमस्ति तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधा कस्य सिद्धनम् एते त्यागभावनया इमं इदं कर्म कुर्वन्ति तस्मादेते स्पृहणीया। जहाँ तक पिक्चर की बात है उसमें चंद्रशेखर आज़ाद को विषय बनाया गया है जिन चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने जीवन की आहुति दे दी थी। क्यों आहुति दी थी? क्योंकि वो अखंड भारत के स्वातंत्र के लिए अखंड भारत की स्वतंत्रता के लिए आज भी समस्याएं हैं। इन्होंने इस पिक्चर के माध्यम से जो आज की समस्याएं हैं आज अगर चंद्रशेखर आज़ाद होते तो क्या सोचते देश के लिए क्या करते इन विषयों को लेकर के ये प्रवृत्त हुए हैं। वो चंद्रशेखर आज़ाद जो बचपन में संस्कृत से संबद्ध हुए संस्कृत के ज्ञान में जुड़े और जिन्होंने संस्कृत की ज्ञान की परंपरा को बढ़ाते समय जब देखा कि हमारा भारत हम तो स्वतंत्र ही नहीं है हमारा अपना चिंतन नहीं हो सकता है हमारे अपने विचार नहीं हो सकते हैं तो उन्होंने कहा कि नहीं अब इस देश के लिए मुझे कुछ करना होगा और जो स्वातंत्र्य आंदोलन के गढ़ थे उन जगहों पर जा करके उनके मन में बाल्यकाल में चेतना आई कि नहीं हमें इन अंग्रेजों का विरोध करना। तो आज भी जो विपरीत परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों के परिष्कार के लिए हमारे प्रत्येक नागरिक का ये धर्म होना चाहिए कि हम अपने जीवन का जो सर्वस्व है उस सर्वस्व को लगा करके भी इस देश की उन्नति के लिए इस देश की विश्व में प्रतिष्ठा कर रहे हैं। लोग ऐसा नहीं है वो तमाम तरह के प्रयास चल रहे हैं और हमने यह संकल्प किया है कि अपने प्रयास के माध्यम से आप लोगों के प्रयास के माध्यम से पूरे भारतवर्ष के प्रयास के माध्यम से हम इस चलचित्र को पूरे विश्व में ले जाएंगे। ये हमारा संकल्प है और इस संकल्प को पूरा करने के लिए जहाँ हमारी आवश्यकता होगी वहाँ हम खड़े होंगे। आप लोगों से भी हमारी यही अपेक्षा है कि इस तरह के विषय को लेकर के अहम ब्रह्मास्मि जो नाम है वह तो भारतीय दर्शन का सर्वस्व है। अगर हमें उद्दीप्त करना है अपने आप को हमें इस विश्व की चेतना के साथ अपने आप को जोड़ना है तो यह अहम ब्रह्मास्मि सूत्र वाक्य है। इस सूत्र वाक्य के माध्यम से हम इस संदेश को संस्कृत के संदेश को और अपने राष्ट्र की गौरव के संदेश को अपने राष्ट्र की उन्नति के संदेश को और इनको मैं बधाई देता हूँ पूरे समाज के सामने बधाई देता हूँ कि इन्होंने इस प्रकार का प्रयास किया है। आज़ाद जी ने इस प्रकार का प्रयास किया है और युवा हैं अभी ये करेंगे। इस अपेक्षा के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। आप सबको नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तविक प्रेरणा और कर्म की हमें कुछ ऐसी बातें कही हैं जिन बातों के साथ हमें अनुग्रहण भी करना चाहिए और अहम ब्रह्मास्मि और चंद्रशेखर आज़ाद और वास्तविकता सही है कि दृश्य काव्य अर्थात नाटकों के माध्यम से बालकों के जीवन में जो बाल्य संस्कार है यन्नवे भाजने लग्ना संस्कारो नान्यथा भवेत कथा छलेन बालानाम नीतिस्तदिह कथ्यते इति यथा हितोपदेशे वर्तते तथैव समग्र सभी पूरे राष्ट्र में हम बालकों से लेकर इस संस्कार का बीजारोपण इस हमारी विरासत का बीजारोपण हम स्वाभाविकतया सरलतया सहजतया कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके श्री चरणों में प्रणाम। अब जनवाणीं कर्तुम सदा सर्वदा येषां यत्नः प्रांतीय ये मंत्रिणः आसन तस्मादारभ्य येषां जीवने एषः एव मंत्रः संस्कृतं सर्वत्र भवतु संस्कृतं सर्वत्र प्रसरतु जनभाषा भवतु तादृशाः एते सौराष्ट्र प्रदेशस्य संस्कृत भारती अध्यक्षाः जयशंकर रावल महोदयाः तानहं प्रार्थयामि ते अत्र च समागत्य अस्मान् सर्वान् उद्बोधयन्तु। यतो हि अहं ब्रह्मास्मि एतत् चलचित्रं अद्य ट्रेलर दर्शनम् अनुयानम् अस्माभिः एव समाजे प्रेरणा देया अस्माभिः एव समाजे सर्वे इदं चलचित्रं
पश्येयुः तदर्थं यथाशक्यं यः व्यवहारः तदर्थं किं किं करणीयम् एतत् सर्वं विचिन्त्य एते अस्मान् सर्वान् प्रेरयिष्यन्ति। नमो नमः। माननीय भवतु उपस्थित नास्ति तथापि कार्यक्रमस्य अध्यक्षत्व आसीतेव अतः तस्य पूर्वं स्मरणं निश्चयेन करणीयं भवति। मान्य श्री क्रीड भाई सोलंकी, मान्य श्री हरेराम मिश्राजी, लेखकः, संपादकः, संगीतज्ञः, निर्देशकः, नायकः, मान्य श्री आजाद जी, तथैव अभिजीत जी, संस्कृत भारती महानगरस्य अध्यक्ष मान्य रामकिशोर जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघस्य महानगर संचालक जी मान्य श्री महेश भाई परिक जी, संस्कृत विद्वांस मान्य कमलेश भाई चौकसी जी, अन्य सर्वे भ्रातर भगिन्यश्च, गत सार्धद्विवर्षेभ्य वयं चिन्तयामः चेत् सामान्यतया जनानां मनसि भवति यत् किमपि दत्तमस्ति, इदानीं प्रचलत् अस्ति, यत् किमपि अस्ति सर्वम् अपि अङ्ग्रेजशासनद्वारा एव अस्ति, सत्यमपि अस्ति। यथा रेलवे केन दत्तम्? अङ्ग्रेजजनाः एव दत्तवन्तः। टेलीफोन, टेलीग्राफ, विमान सुविधा, आधुनिकी चिकित्सा, आधुनिक भवन सेतु निर्माणं, वयं यत्किमपि पश्यामः चेत् मनसि आगच्छति एतत् सर्वं तु अंग्रेज द्वारा एव दत्तमस्ति। भारत विश्वाय किं दत्तम्? बहु दत्तम्, इतःपरमपि निश्चयेन दास्यति। भारतं विहाय केनापि एतद् दत्तं नास्ति एव, तदस्माभिः दत्तमस्ति। चत्वारः वेदाः अस्माभिः दत्तमस्ति, उपनिषदाः अस्माभिः दत्तमस्ति, रामायणं महाभारतम् अस्माभिः दत्तमस्ति, अहं ब्रह्मास्मि अस्माभिः दत्तमस्ति, सर्वं खलु इदं ब्रह्मं ब्रह्म, वयम् अमृतस्य पुत्राः, चत्वार पुरुषार्थाः, राष्ट्राय स्वाहा, इदं न मम, एकं सत् विप्राः बहुधा वदन्ति, तेन त्यक्तेन भुञ्जिताः, सर्वदेव नमस्कार केशवं प्रति गच्छति, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्यदेवो भव, अतिथिदेवो भव, राष्ट्रदेवो भव, केन दत्तम्? भारतेन दत्तमस्ति। वसुधैव कुटुम्बकम्, एषा भावना, एषा विचार भारतेनैव दत्तम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, भारतस्य विचारः। परोपकारः पुण्याय, पापाय परपीडनं, महाभारतस्य विचारः। संस्कृतं देवभाषा, दिव्या भाषा, विश्वस्य सर्वासु भाषासु जननी एव संस्कृतं, विश्वाय संस्कृतं अपि भारतेन एव दत्तम् अस्ति। शून्यं वयं निष्कासयामः, अनन्तरं किम्? पूर्णमदा पूर्णमिदं शून्यं सर्वम् अस्माभिः एव दत्तमस्ति।
शून्यस्य आविष्कारः अत्रैव अस्ति, बोधायन सूत्रम अस्माभिः दत्तमस्ति, पाणिनीय व्याकरणम् अत्रैव, आयुर्वेद शास्त्रम् अत्रैव, सर्वेषां समस्यानां समाधानं चिन्तयामः चेत् साररूप ग्रंथः श्रीमद् भगवद् गीता अस्माभिः एव दत्ता अस्ति, एतत् भारतवर्षम् अस्ति। बहु आनंदस्य विषय अस्ति, वयं तु साक्षात् संस्कृत कार्ये स्मः, अतः भूमितलौ स्मः, वयं सर्वे जानीमः संस्कृतस्य का स्थितिः अस्ति, कीदृशः प्रयत्न करणीयः भवति, परंतु आनंदः अस्ति, संतोषः भवति। किमर्थं? संस्कृतस्य कुत्रापि विरोधः नास्ति, संस्कृतं सर्वेषाम् अस्ति, संस्कृतं सर्वत्र अस्ति, अतः एव अस्माकं राजभाषा शासनस्य भाषा संस्कृतं भवेत्, तदर्थं डॉक्टर आंबेडकर जी प्रस्तावं आनीतवान् आसीत्, सः स्वयमपि संभाषणशीलः आसीत्, संस्कृतेन भाषते, परंतु दुर्भाग्य, परंतु पुनः इदानीं परिवर्तनस्य कालः दृश्यमानम् अस्ति। इदानीं प्रारंभे संस्कृत संभाषण आंदोलन समये अपि बहुनां विरोधः आसीत् एव, ये किमस्ति मम भवत नाम, मम नाम भवत्याः नाम, एतत् सर्वं किमस्ति? पुनश्च संस्कृतज्ञाः एव प्रारंभे बहु विरोधं कृतवन्तः, परंतु इदानीं समग्रे भारते प्रति राज्यं, अस्माकं गुजरात राज्ये 33 जनपदाः सन्ति, सर्वत्र अस्माकं संस्कृत गण निर्माणं जातम् अस्ति। भवतां कीदृशी भाषा, परंतु दृढ़तया, परिश्रमेण, श्रद्धया, विश्वासेन कार्यकर्तारः कार्यं कृतवन्तः, अतः इदानीं संस्कृत भाषायाः पूर्वं विरोधः आसीत्, विरोधः इदानीं अवगतः। शनैः शनैः स्वीकारस्य आरम्भः अस्ति, स्वीकारस्य आरम्भः अस्ति, तदर्थमेव चलचित्रम् आगतमस्ति अहं ब्रह्मास्मि। किं महोदय, सत्यं वा? सत्यम्। एषः प्रयासः अस्ति, साहसमपि अस्ति, संस्कृतेन चलचित्रं निर्माणं पुनः आधुनिकशैली रीत्या यत् करणीयं भवति तादृशं चलचित्रं मुख्यधारायाम् एतत् चलचित्रम् आगतमस्ति, तद् महत् साहसमस्ति, अतः साहसं यैः कृतं महोदयस्य, आझाद् महोदयस्य पूर्णवृन्दः, पूर्णसमूहस्य कृते वयं शुभकामनां दद्मः, अभिनन्दनानि दद्मः। पुनश्च गुजराते एतस्य चलचित्रस्य तत् प्रमोशनं करणीयं, तदपि अस्माकं कृते बहु सौभाग्यस्य विषयः अस्ति, तदर्थम् अपि महोदयस्य धन्यवादं वयं कुर्मः। अहम् अधिकं समयं न स्वीकरोमि, वयम् आझाद् महोदयं श्रोतुम् आगतवन्तः स्मः, अतः जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। सत्यं कथितम्, एषः परिश्रमः, एषा च उपासना, इदं च साहसम्। किन्तु अहं सत्यं हृद्गतं भावं कथयामि, वीरतुं बढ़े चलो, वीरतुं बढ़े चलो, आगे चलो, वयं संस्कृतज्ञाः अनुस्मः, एतत् चलचित्रं वयं सर्वे द्रक्ष्यामः, प्रचारं प्रसारं करिष्यामः, अन्यथा संस्कृतस्य इदं कार्यमस्ति, संस्कृतस्य कार्यमस्ति, अस्माभिः करणीयं, प्रचारः करणीयः, संस्कृतं सर्वत्र सम्भाषणीयं, संस्कृतं वक्तव्यं, तेन किम्?
तेन किम वीर तुम बढ़े चलो न केवलम इदम एकम अभी तो यथा राष्ट्रपुत्र अभी तो यथा अहम ब्रह्मास्मि तथा अन्यान्य भी बहुनी चलचित्राणि भवन्तः निर्मापयेयु इति परमात्मानं प्रार्थयामि। एतन् मन्मनसियो भावः तं भावम् अहं प्रकटयामि। अयं च भावः सदा सर्वदा विदुषां पुरुतः गुरुणां पुरुतः मया यतः एषः उपस्थाप्यते सफलः सार्थकः चरितार्थतां यास्यति इत्यहं मन्ये। अद्य महान आनंदस्य विषयः सत्यं कथितं यत् तेषामेव अस्माभिः प्रवचनं श्रवणीयमासीत्। वयं चातकाः तेषां प्रवचनश्रवणे, किन्तु अद्यावधि विलम्बः तदर्थमेव यथा यथा औत्सुक्यं वर्धते तथा तथा मनसि जिज्ञासा तस्याः जिज्ञासायाः वृद्धिर्भवति। मैं आजाद हूं और आजाद ही रहूंगा, मैं अनंत हूं, मैं अनंत ही रहूंगा। आजाद इति केवलम कथनस्य शब्दः नास्ति, आजाद इति कथने एव वीरत्वं समायाति, इति कथनेनैव राष्ट्रधर्मः अस्माकं तत्र चंद्रशेखर आजादस्य संस्मरणं भवति। आजादः स्वतंत्रः आसीत्, सर्वतंत्र स्वतंत्रः, तस्य आजादस्य विषये एभिः या उपासना कृता, एभिः या लेखनं या लिखितं, यच्च अभिनीतं, यच्च संगीतमयं, तत् सर्वमपि अद्य तेषां अनुभवात्मकं किञ्चित् वयं वक्षा श्रोष्यामः। किन्तु तावत् पूर्वम् अस्माभिः प्रतिज्ञा करणीया अस्य अहं ब्रह्मास्मि चलचित्रस्य यथोत्तरं यथावकाशम् अधिकाधिकं तत्र प्रचारः प्रसारः दर्शनम् अनुमोदनम् एतत् सर्वम् अस्माभिः करणीयम्। एतत् अस्माकम् उत्तरदायित्वम्। अतः वयमपि अस्मिन् कर्मणि संलग्नाः प्रतिज्ञाबद्धाः भवन्तं प्रार्थयामः यद् भवन्तः स्वीयं यद् यदमृतम् आजाद चलचित्र निर्माणे क्षन्तव्यः, अहं ब्रह्मास्मि इति चलचित्र निर्माणे तद् प्रस्तुवन्तु इति प्रार्थयामः। जयतु संस्कृतम्। मेरे आराध्य भारत के महान क्रांतिकारियों के सरताज भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे हजारों क्रांतिकारियों के गुरु, उनके मार्गदर्शक चंद्रशेखर आज़ाद, जो पूरा देश आज जिस राष्ट्रवाद और हिंदुत्व से ओतप्रोत है, उसी राष्ट्रवाद हिंदुत्व के अमर पुरोधा लोकमान्य तिलक के निकटतम सहयोगी, संघ की बुनियाद को मजबूती देने वाले, हिंदू महासभा को उत्थान पे ले जाने वाले और भोसला मिलिट्री स्कूल के संस्थापक प्रातस्मरणीय धर्मवीर डॉक्टर बालकृष्ण शिवराम मुंजे, डॉक्टर बी एस मुंजे, जलियांवाला कांड के बाद जब पूरा देश आहत था, पीड़ित था नरसंहार के बाद, और उसके उपलक्ष्य में 1857 गदर के बाद एक महा आंदोलन शुरू हुआ गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन के रूप में और अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए, जब वो आंदोलन अपने बुनियाद पे था, कगार पे था, लगता था कि देश आज़ाद 31 दिसंबर 1921 तक मिल जाएगा, तो चोरी चोरा कांड की छोटी सी हिंसा के बहाने गांधी जी ने बीच मजार में उस आंदोलन वापस ले लिया, तो उस वक्त पूरा देश आहत था। उसी दरमियान 14 साल 15 साल 16 साल की लड़कियाँ इलाहाबाद से लेकर बनारस तक, वो भी आहत थी, उन्होंने इस आंदोलन को पुनर्जीवित करने के लिए, वो और युवाओं के रक्त में उबाल लाने के लिए उन्होंने आंदोलन चलाया, एक संगठन बनाया, उसका नाम रखा विश्व साहित्य परिषद, और उसकी मुखिया थी शक्ति स्वरूपिणी अग्निकन्या कुमारी छवि देवी। चंद्रशेखर आज़ाद, डॉक्टर बी एस मुंजे, कुमारी छवि देवी को मैं कृतज्ञ राष्ट्र की तरफ से नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आज भगवान कृष्ण की कर्मभूमि
फिर हम लोग भारतीय सनातनता के लिए और भारतीय परंपरा सभ्यता संस्कृत और देवभाषा संस्कृत के लिए जो आंदोलन के रूप में इकट्ठे हुए हैं, उस आंदोलन को अहम ब्रह्माष्टमी के रूप में विश्व के कोने कोने पहुंचाने के लिए जो भूमि का चुनाव किया है, जिस भूमि पर आपने नरेंद्र दामोदर दास मोदी के रूप में एक नग दिया है, एक हीरा दिया है, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। जो हिंदुत्व का पताका सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं विश्व के कोने कोने में फहरा रहे हैं, जो छोटा सा प्रयत्न हमने अहम ब्रह्माष्टमी के रूप में किया है उसकी बुनियाद में राष्ट्रवाद हिंदुत्व है। अब तो खैर अपनी सरकार बन चुकी 2014 की, मैं बात करता हूँ पहले की, जब मैंने इसके बारे में सोचा कि देश के लिए क्या करना चाहिए तो भ्रमण किया, उस दिन में लगता लोग अपनी जड़ों से संस्कृत से दूर हो चुके हैं, तो उसको जोड़ने के लिए हम लोगों ने एक संस्था बनाई, यानी दोबारा पुनर्जीवित किया उस संस्था को, विश्व साहित्य परिषद को। तो उस संस्था के माध्यम से हमने शुरुआत की कि संस्कृत को किस तरह पहुंचाया जाए। लोगों ने कहा कि भाई इस किताबें लिखते, किताबें बहुत लिखी, हजारों लाखों की तादाद में वेद पुराण उपनिषद एक से एक चीज़ें लोगों ने बना के रखी है, तो लोग तो वहाँ जाते नहीं। फिर सोचा स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी, वो भी बनी हुई है, लोग जाते नहीं। तो ये हुआ कि हम लोग उस चीज़ को लेकर चले जो लोगों तक पहुँचे, लोग संस्कृत अगर जाना नहीं चाहते या बहुत कम लोग पहुँच रहे तो उसको पहुँचाए। तो उसमें यह हुआ कि सिनेमा समाज का आईना है और समाज सिनेमा का आईना है, तो हमने ये तय किया कि हम फिल्मों के माध्यम से आप लोग तो पहुँचे, अपनी बातें कहें, जिसका नतीजा है कि आज हम ब्रह्माष्टमी ग्रुप में हमने शुरुआत की। अच्छा, इसके पहले बनाया हम राष्ट्रपुत्र, तो राष्ट्रपुत्र को का जो उद्देश्य था जैसे आज़ाद के व्यक्तित्व को दुनिया पर पटल रखने का, वो हमने फ्रांस से जो यात्रा हमारी रही भारत से लेकर फ्रांस तक की, उसमें हमने उसको वो सम्मान दिलाया, वो स्थान दिलाया जिस क्रांति की जरूरत थी। जहाँ तक मेरा मानना है, आप सभी जानते होंगे कि अपने प्राणों की आहुति देने वाले क्रांतिकारियों को वो स्थान नहीं मिला, वो जीवन नहीं मिला जो उनको जिसके हकदार थे, वो हमने दिलाने की कोशिश की है। कहने के लिए बहुत कुछ है, जहाँ कहना ठीक नहीं है। मैं इतना कहना चाहूँगा कि हजारों साल गुलामी के दौरान जो हम पर जो आक्रमण हुआ, उस आक्रमण की वजह से कई चीज़ें हम दूर हुए। उस आक्रमण से हमारी भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति, देवभाषा संस्कृत को जो नुकसान पहुँचा, जिसका नतीजा है कि हम सारी भाषाओं के कठिन से कठिन भाषाओं को हम सुनना चाहते हैं, देखते हैं, लेकिन अपने मूल जड़ों तक जाना नहीं चाहते। अब मैं बहुत प्रसन्न हूँ आप लोग का जो साथ मिला, इतना मैं कह सकता हूँ कि मैं इस मन से भारत का आने वाला कल देख रहा हूँ। आज कहने को मैं अकेला नहीं हुआ, लाखों लोगों के दिलों के माध्यम से घुस रहे हैं, यानी मैं ये कह सकता हूँ कि लाखों लोगों के दिलों में आज की तारीख में है, या लाखों लोग देखना चाहते हैं हम ब्रह्माष्टमी, चाहते हैं संस्कृत का विकास हो, उसको करोड़ों लोग पहुँचाने जवाबदारी आपकी है। मैंने अपना काम कर दिया, खाली इतना कहना चाहता हूँ उन राष्ट्र विरोधी तत्वों को जिनके माध्यम से हम संस्कृत से दूर हुए, कि भारत कोई ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है, या वंदन की भूमि है, या अभिनंदन की भूमि है, या अर्पण की भूमि है, या तर्पण की भूमि है, इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है, इसका कंकर कंकर शंकर है। हम जिएंगे तो इसके लिए, मरेंगे तो इसके लिए। इसी विचारधारा के तहत हम लोग आम्रवासी निर्माण किए, जिसमें जेएनयू का सहयोग मुझे बहुत ज़्यादा मिला। मेरे विभाग हैं हरिराम मिश्रा जी, इन्होंने किया, इनके साथ जेएनयू के संस्कृत के विभाग के लोगों ने साथ दिया, बच्चों ने साथ दिया, और धन्यवाद देता हूँ कि इनकी वजह से फिल्म बनाना आसान हुआ, लोगों तक पहुँचने में आसानी हुई। मैं अंत में इतना कहना चाहूँगा कि जो कृति, जो रचना मैंने आम्रवासी ग्रुप में की है, मुझे यकीन है कि ये काल के भाल पर, काल के कपाल पर एक अमिट हस्ताक्षर साबित होगा। जय हिंद, वंदे मातरम, अहम ब्रह्मास्मि। सारूपम सूत्रात्मकम बहु बोधप्रदम यतो हि अहम ब्रह्मास्मि यतो हि अमृतस्य पुत्रः राष्ट्राय स्वाहा एषः एव अन्तःकरणे भरितः भावः अन्तःकरणस्थः भावः तैः भावः प्रकटीकृतः अहं राष्ट्राय किं कर्तुं शक्नोमि मम यत् सर्वमपि सामर्थ्यं मम यत् सर्वमपि तत् सर्वमपि राष्ट्रस्य कृते भवतु एषः सारः प्रतिपादितः धन्यवादः एकं निवेदनमस्ति अग्रपंक्तौ तेषां महापुरुषाणां मञ्चस्थानां मञ्चस्थान् महापुरुषान् प्रार्थयामि अधुना अनुयानदर्शनं ट्रेलर् दर्शनं वरं करिष्यामः अतः एव
वह नर नहीं है पशुनीरा, पशुनीरा और मृतक समान है, और मृतक समान है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे विद्या तुम्हें धर्म तुम्हें हृदय तुम्हें मर्म तुम्हें विद्या तुम्हें धर्म तुम्हें हृदय तुम्हें मर्म तुम्हें प्राण शरीरे पावते तुम्हें माँ शक्ति हृदय तुम्हें माँ भक्ति दशपर्ण धारिणी कमला कमल दल विहारिणी तुम्हें दुर्गा दशपर्ण धारिणी कमला कमल दल विहारिणी वाणी विद्यादायिनी वाणी विद्यादायिनी वाणी विद्यादायिनी वाणी विद्यादायिनी नमामि मातरम्
अद्य समग्र देशः पुनः आजादस्य तांडवं दृश्यते। अद्य तु बद्धमानः पुनः बंधने न भविष्ये आजादः आजन्म आजाद भविष्ये। आजादस्य क्रांति अग्रे यदि आजादस्य विरुद्ध पित्रोच्युत विभाषा आयाति तदा आजादः स्वभम तुल बुखारः द्वे गुल्के तयोर वक्षेपि भेदितुं शक्यते। युग परिवर्तनस्य उजिरं भणस्य नाम आजादः। यदा यदा अहिंसा म्रियते तदा तदा आजादः जायते। अहं ब्रह्मास्मि। वंदे मातरम् वंदे मातरम् वंदे मातरम्। Update from Bombay Talkies Music.